कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए नागपुर जिले में 31 मार्च तक कर्फ्यू लगाया गया। साथ ही राज्य में जिला सीमाबंदी भी की गई है। अब शहर से बाहर या शहर में भी किसी काम से जाना हो तो पुलिस से पास बनवानी होगी। कोरोना तीसरे सप्ताह में काफी तेजी से बढ़ रहा है। अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंस बनाए रखे, यानी अपने घरों में कैद रहे, किसी से ना मिले, भीड़ न करे और भीड़ से बचे तो कोरोना को रोका जा सकता है। और कोरोना को रोकने के लिए अब शहर की जिला सीमाबंदी तक की गई है और शहर में कर्फ्यू भी लगाया गया है। अब शहर में किसी भी काम से अगर घूमना है, किसी भी काम से बाहर जाना है तो पुलिस द्वारा पास लेनी होगी। पास बनाना अब आवश्यक हो चुका है। कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे प्रशासनाने कर्फ्यू लावलेला आहे महाराष्ट्रात। त्या अनुषंगाने सर्व जिल्ह्यांच्या बॉर्डर सुद्धा संचारबंदी आणि सर्व जिल्ह्यांच्या बॉर्डर सील करण्यात आलेला आहे। अनायसे कुणाला महत्त्वाच्या कामाने, इमर्जन्सी कामाने जर बाहेर जायचं असेल किंवा दुसऱ्या जिल्ह्यात जायचं असेल तर प्रशासनाचे असे निर्देश आहे की त्यांनी पोलीस स्टेशनमधनं त्याप्रमाणे पासेस घ्यावे, त्याच व्हेकलला बाहेर जाण्यासाठी अलाउड केला जाईल। त्याप्रमाणे हे ग्रस्त यांना जिल्हा सोडून बाहेर जायचं आहे, त्यांनी पोलीस स्टेशन वाडी येत नाही अशा प्रकारची पास घेतलेली आहे, त्यामुळे त्यांना आता आम्ही बाहेर जाण्यासाठी अलाउड करत आहोत। परत एकदा सर्वांना आम्ही आवाहन करतो की विनाकारण कोणी बाहेर पडू नये आणि ज्यांना इमर्जन्सी काम असेल, अतिशय महत्त्वाचं असेल, त्यांनी पोलीस स्टेशनमधनं अशा प्रकारची पास घेऊन आपला प्रवास करावा। विनाकारण बाहेर पडू नये। बाहेर जिल्ह्याच्या बाहेर जायचं आहे किंवा नागपूर शहरातसुद्धा बाहेर फिरायचं आहे, त्यांनी अशा प्रकारची पास घ्यावी। अशी पास असेल तरच आम्ही त्यांना अलाउड करू, अन्यथा विनाकारण कुणालाही अलाउड करणार नाही। यदि अति आवश्यक काम से बाहर जा रहे हैं तो पुलिस स्टेशन से पास लेकर ही निकलना पड़ेगा। मेडिकल इमरजेंसी होने पर पास लेने की जरूरत नहीं है, मरीजों को सीधा अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। जीवन आवश्यक सेवा देने वाले दुकानदार और संस्थानों की सेवा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़।